हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल में सकेडो में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे एक बात बताने वाला हूँ कि मकर संक्रांति बहुत करीब है और मैंने मकर संक्रांति के साथ बहुत सारी पतंगें खरीदी है और मेरी कुछ चरखियाँ पहले से पड़ी है और मैंने बहुत सारी चरखियाँ और खरीदी है। तो चलिए दिखा दो आपको मेरी पतंगें और चरखियाँ। तो ये देखिए गाइस, सबसे पहले ये आती है मेरी फैंसी मोटू पतंग। मुझे ये पतंग बहुत पसंद है क्योंकि इसमें मेरे कार्टून बन रहे थे, मुझे पसंद बहुत पसंद है। ये एक मोटू, ये फेवरेट है, मोटू पतलू की पतंग है। और ये है एक टॉम एंड जेरी की पतंग है। और ये बटरफ्लाई लगभग और लगभग ये शायद एक कौड़ी है। और ये है मेरी एक कौड़ी कागज़ की पतंग है, जो नॉर्मल साइज होता है वो वाली कागज़ की पतंग है। और ये भी लगभग एक ही कौड़ी है, लेकिन ये इस साइज से थोड़ी बड़ी है। इस दोनों का साइज लगभग बराबर ही है। और ये है मेरी, और ये और कागज की पतंग इसमें तीन, ये भी एक ही कौड़ी है और ये भी उन्हीं के साइज के लिए, लेकिन लगभग तीन रंग है, एक ब्लैक, ये रेड और ये वाइट और ये पर्पल, ये तो लगभग चार रंग हो गए। और ये है, वैसे आप चाहो तो ऐसे स्नेक काइट भी बोल सकते हो, लेकिन हम तो ईगल काइट ही बोलते हैं। ये कुछ इस तरीके से दिखने लगती है। इसके यहाँ पे भी पूंछे होती हैं। और ये मेरे पास लगभग दो तीन कौड़ी होंगी। और ये है मेरी कागज की सबसे बड़ा साइज, ये भी लगभग एक ही कौड़ी है। और वो मेरी पिछली मकर संक्रांति की थी और मैंने इसे पिछली मकर संक्रांति से अब तक बचा के रखा है। थोड़ी कुछ बच गई थी पिछली मकर संक्रांति की। और वो है मेरी सबसे बड़ी पतंग, ये पन्नी की और उस पर चेस का डिज़ाइन बना हुआ है। ये मेरी सबसे बड़ी पतंग है, जो आपने ये जो पतंग देखी थी ये इससे भी बड़ी ही है। दोस्तों ये तो बहुत सारी पतंग है, मुझे तो नहीं लगता मैं इन सभी को मकर संक्रांति पर उड़ा पाऊंगा। तो अब हम बात करें, तो हम चले आते हैं अपनी चरखियों के बारे में मान जी की। तो ये देखिए, ये दोनों चरखियाँ हैं मान जी की। और ये लगभग दोनों मिला के लगभग छः गट्टे बन जाओगे। और ये छः गट्टे की चरखी। और इसमें जो आपको ये मांडा दिख रहा है, हमने इसमें से एक गट्टा निकाला है इसमें। और ये मेरी फेवरेट मन सदे की चरखी, चार पाँच है सात, ये लगभग हमारी सात चरखी। और ये एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, ये दस हमारे सात है। तो टोटल हमारे पास होगी 17 चरखियाँ। तो इन सबों को मिला के हमारी 17 चरखियाँ हैं। तो आप भी पतंग लाइए, उड़ाइए, चरखी लाइए, सबकी काटिए। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मैं बताऊँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।